Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। हाँ आदित्य, कल तक तो तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो यहाँ बनारस में या कानपुर लखनऊ में तुम्हारे कोई रिश्तेदार है क्या जो यहाँ आ सकते हैं? जी रिश्तेदार तो है मगर सब दिल्ली में। हाँ मगर इनकेस अगर कोई नहीं आ सका तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी की कमी आपको महसूस नहीं होने दूंगा। अब मौसी जी, इस जो सेरेमनी है ना, मैं गुंजन के लिए यूं ही नहीं छोड़ना चाहता, इसको एकदम स्पेशल बनाना चाहता हूं। तो बस आप फिक्र मत कीजिए, कोई ना कोई जरूर आ जाएगा। चलो अच्छा, हम भी यही चाहते हैं बेटा। क्यों गुंजन? हाय वेंक। हाय। होप कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। नो नो, नॉट एट ऑल। क्या क्या हो रहा है? नथिंग, सर्फिंग जनरली। ओके, जॉब हंट। या मयंक, इफ यू डोंट माइंड, मैं यहाँ काफी सारे लोगों को जानता हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझे अपने रिज्यूमे मेल कर सकते हो, मैं सामने फॉरवर्ड कर दूंगा। दैट्स रियली नाइस ऑफ यू, बट आई मैनेज, थैंक यू। ठीक है, एज यू विश। आप मयंक, तुम जानते हो कि कल रिंग सेरेमनी और चुन्नी ओढ़ाई की रस्म है, और मैं गुंजन के टेस्ट के बारे में इतना नहीं जानता, तुम समझ रहे हो ना? अब देखो, तुम गुंजन के साथ रहे हो और तुम सेम एज के भी हो, तो आई एम श्योर तुम्हें पता होगा कि उसको कैसी ज्वेलरी पसंद है। आई मीन व्हाट डज शी लाइक? शी लाइक चंकी और डेलिकेट। I don't know, please help me. I think it'll be better if you ask Gunjan only. Otherwise, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते शॉपिंग के लिए? Yes, ये भी ना बात। That's called a great idea. Thanks, buddy. Yes. मैं तुम तो जानते हो कि कल रिंग सेरेमनी और चुनी उड़ाई की रस्म है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी वाइफ क्या मेरी तरफ से हो सकते हो? यार ये रस्में सब पूरी करनी पड़ती है और गुंजन के लिए मैं सब कुछ करना चाहता हूं, एवरीथिंग। यार मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स जो है वो सब परसों आने वाले हैं, इतना तो मेरे लिए कर सकती प्लीज। आदित्य बेटा, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं पहुंच पा रहे तो क्या हुआ, हम है ना? क्यों कर रहे हो ये सब जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंच रही हो? नहीं ताई जी, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इसमें गुंजन की खुशी है ना, उसके फैसले की इज्जत कर रहा हूं, उसकी खुशी के लिए जो बनेगा मैं करूंगा ताई जी। ये क्या रेजिग्नेशन? हाँ बस बहुत हुई नौकरी अब। क्यों, क्या हुआ? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, किसी और दिन। आज के लिए इतना ही काफी है बस। भाई कहीं गुंजन की वजह से तो रिजाइन नहीं कर? मैं, तुमने आड़ी से हाँ क्यों कहा? नहीं बोल सकते थे ना कि तुम किसी भी रस्म का हिस्सा बनना नहीं चाहते? मेरी चुनरी चढ़ाने की रस्म तुम क्यों करोगे? ताकि सारी रस्में पूरी तरह से और अच्छे से हो जाए। तुम्हारी शादी हो रही है ना गुंजन, तो मैं चाहता हूं जितने भी रस्म और रिवाज है सब अच्छे से हो, ना कि मेरी शादी की तरह।
जो कि शादी कम और तमाशा ज्यादा थी, जहां मैं ये भी नहीं जानता था कि मेरी शादी हो किसे रही है। तुम्हें मेरे लिए सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी भी वक्त है मयंक, मना कर दो। नो कुछ, आई डोंट वांट टू। आखिर दोस्त हूं तुम्हारा, और दोस्त के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, और फिर ये तो तुम्हारी शादी है ना, तो मैं कोई भी रस्म और रिवाज कैसे छोड़ दूं? या फिर ये सोच लो कि ये मेरी तरफ से तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है। तुम्हारी शादी की कोई भी रस्म और रिवाज या सेरेमनी मैं मिस नहीं करना चाहता। गुंजन, तुम रो रही हो बेटा, क्या बात है बेटा, किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? हाँ, हमारी तरफ देखो गुंजन, बात क्या है बेटा? कुछ भी नहीं मौसी जी, बस सर में दर्द हो रहा था, मैं सोने जा रही हूँ। रुको, हमसे झूठ मत बोलो, तुम्हारे सर में नहीं, दर्द कहीं और हो रहा है ना? देखो गुंजन, जो भी बात है हमें सच सच बताओ, तुम्हें हमारी कसम है। कौन सा सच मौसी जी? वही सच जो इन आंसुओं के पीछे तुम छुपा रही हो गुंजन। गुंजन, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, अभी भी वक्त है, अगर तुम्हें शादी से खुश नहीं होना गुंजन, तो हमें बताओ तुम्हारे मन में क्या है, हम जानना चाहते हैं, बोलो, अभी भी देर नहीं हुई है, बात को रोका जा सकता है बेटा। बताओ हमें क्या बात है, शायद हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। देखो बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है बेटा, अगर कुछ सही नहीं लग रहा है ना, तो अभी भी वक्त है, बात रोकी जा सकती है। बेटा, मौसी जी बात क्यों रोकेंगे, मैं इस शादी से, इस रिश्ते से बहुत खुश हूं। थोड़ी सी नर्वस हूं, वो एक्चुअली सब कुछ इतनी जल्दी हो गया ना, पापा का आना, फिर हैरी का आना, फिर शादी, और अब मेरा ऑस्ट्रेलिया वापस जाना। एक्चुअली आई जस्ट कांट हैंडल इट, बस। हो सकता है फोटोज, लेटर, फोन कॉल्स, कौन है जो हाथ धो के हमारे पीछे पड़ा हुआ है? वो फोटोज घर में किसी के हाथ लग गए तो नहीं, उससे पहले हम तुम समझ गई होगी कि सारे सबूत हमारे पास है, तुम कहो तो पुलिस को जाकर बता दे, झूठे दहेज केस की सबूत की कमी नहीं है हमारे पास। चारो, 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 अरे चारो, कुछ टूटने की आवाज है, क्या हुआ? नहीं तो कुछ नहीं टूटा मयंक जी। क्या हुआ चारू, बोलो चारू, तुम्हारे हाथ ऐसे ठंडे क्यों हो रहे, इतनी घबराई क्यों लग रही चारू, बोलो ना, तुम ठीक तो हो ना? मयंक जी, कोई है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, कौन है चारू, बोलो ना। देखिए कोई है वहाँ पे, कहाँ देख रहा है, खिड़की में।
Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।